सो हेलो एंड वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू जायरल गेमर। तो आज हम करने वाले 60 FPS वर्सेस 90 FPS कंपैरिजन। तो देखिए भाई, ये थोड़े सवाल के थ्रू होगा, क्वेश्चंस के थ्रू होगा एंड जिसके हम आंसर देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो गाइज, मेरे मन में क्या सभी के मन में इस टाइम पे ये क्वेश्चन जरूर से चल रहा होगा कि ये 90 FPS कब ऑल डिवाइसेस के लिए आ जाएगा जो कि 90 Hz डिस्प्ले सपोर्टेड करते हैं। मैं जानता हूँ कि मतलब आप सोचोगे भाई ये तो ग्लोबल लॉन्च हो चुका है, बट गाइज ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पार्टनरशिप है पबजी और वन प्लस के लिए। तो इसी सिर्फ अभी वन प्लस के लिए ही सिर्फ और सिर्फ आया है और किसी अदर डिवाइस के लिए नहीं आया है। वरना एसोस रॉक 3 भी है, एसोस रॉक 2 भी है एंड बहुत सारे आईपैड्स भी है जो कि 90 Hz का रिफ्रेश सपोर्ट करते हैं। मतलब आईपैड्स में गलत बोल गया, आईपैड तो नहीं है, मतलब कि फ़ोन्स है काफ़ी सारे और आईफोन नहीं है मैं जानता हूँ, बट बहुत सारे फ़ोन्स भी है जो कि 90 Hz डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं पर उनके में अपडेट नहीं आया है। तो देखो कोई मैं बताता हूँ, अगर सोचो कि ये सिर्फ एक पार्टनरशिप है जो कि चल रही है, 6 अगस्त से चली थी और 6 सितंबर तक ये समाप्त हो जाएगी इनकी पार्टनरशिप जो भी पबजी की वन प्लस के साथ है ना गाइस। तो ये एक पार्टनरशिप है सिर्फ और सिर्फ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई मतलब कि ये मतलब सभी मोबाइल्स के लिए अपडेट कब आने वाला है, तो देखो गाइस जो 1.0 का अपडेट आने वाला है, मतलब 2.0 का एरेंगल का, तो वो आने वाला है मतलब कि कुछ कह सकते मतलब कोई जो 5 सितंबर से लेकर 25 सितंबर के बीच की, और ज़्यादातर है चांसेस 11 सितंबर को ही अपडेट आ जाए, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक स्कीम भी दिखाता हूँ, इसमें रिकॉर्डिंग सभी चीज़ें बताई गई है, आप पॉज करके वीडियो को पढ़ भी सकते हो। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 6 सितंबर से मतलब कि 6 अगस्त से 6 सितंबर तक वन प्लस का कॉन्ट्रीब्यूट मतलब कि जो भी मतलब कंपनी के साथ हुआ था कोलैब वगैरह कुछ भी, तो वो सिर्फ थोड़े टाइम तक का बिजनेस है ना। फिर ये जो 11 सितंबर की ज़्यादा चांसेस है कि जी का 1.0 अपडेट हमें देखने को मिल जाएगा एंड जो कि होगा 90 मतलब कि 1.0 का जो कि है 2.0 एंगल मैप एंड जो हमारा 90 FPS के सपोर्ट के साथ प्लस अल्ट्रा HD ग्राफ हमें ये देखने को मिलने वाला है। तो देखो गाइस, अब आप सोचोगे कि 60 Hz मतलब कि जितने भी रिफ्रेश रेट 60 Hz से जैसे आईफोन्स का है, iPhone XR जो कि इतना कैपेबल डिवाइस है। तो देखो गाइस, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इन फ्यूचर हमें कुछ पता नहीं, बट प्रेजेंट की बात करें तो अभी तक ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि 60 FPS वाले डिवाइसेस का मतलब जो भी सब कुछ जितना भी है वो सब कुछ बंद हो जाएगा, क्योंकि गाइस आईफोन का कंपैरिजन कभी भी एंड्रॉइड से नहीं किया जा सकता है। और देखो गाइस, अभी 90 Hz डिस्प्ले किसके लिए आया है, और सिर्फ गाइस एंड्रॉइड के लिए, जो कि 32,000-45,000 के डिवाइसेस होते हैं सिर्फ उन्हीं में आया, जिनमें स्नैपड्रैगन 845 835 जितने मतलब महंगे महंगे प्रोसेसर होते हैं जिसमें, और यहाँ पर कैसा मतलब बहुत बड़े बड़े भारी भारी प्रोसेसर डाले होते हैं एंड्रॉइड के, तो उसी में आया सिर्फ, है ना, जो भी महंगे महंगे डिवाइसेस होते हैं। तो गाइस देखो, अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। और देखो गाइस, जब ये अपडेट आएगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि 11 सितंबर तक का लास्ट डेट हो, मतलब कि इतने के बीच में ही आएगा, हमको मिलेगा 5 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में मिलेगा हमें 1.0 का पबजी का अपडेट, जिसमें हमें चैनल लिंक भी नीचे दे दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में चेक आउट कर सकते हैं। यहां पे इन्होंने काफी अच्छे कंपैरिजन किया था, मैंने सोचा आपको दिखाना चाहिए। यहां पे आप लोग देखो, जो 90 FPS एंड 60 FPS में देखो नॉर्मल, अभी कोई हीट इशू नहीं है, नॉर्मल दोनों डिवाइसेस हैं एंड यहां पे इनका कंपैरिजन किया। देखो जब वो पीक ले रहे हैं ना, देखो किस तरीके से वहां पे बंदा अंदर चला जाएगा लेकिन यहां पे बंदा अभी भी बाहर शो हो रहा है, देखो ज्यादा अंतर होता है। अब 90 FPS 60 FPS मतलब जो भी होता है स्मूथ का डिस्टेंस होता है, बस एक जो स्मूथनेस होती है ना बहुत ज़्यादा मेंटेन कर मतलब होता है। अब देखो गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब आप किसके साथ आपको जाना चाहिए ज़्यादातर, है ना। तो देखो बहुत सारे बंदों का ये होगा कि भाई हम क्या कहते हैं उसके साथ, क्या कहते हैं आईफोन के साथ, भाई आईफोन अब 60 Hz का पैनल देता है, 90 Hz मिलेगा नहीं हमको। तो देखो गाइस, अभी भी एंड्रॉइड में ही 90 FPS सपोर्टेड है, और किस अभी भी मतलब कि रूमर्स आ रहे हैं कि आईफोन जो नया वाला आएगा उसमें 120 Hz सपोर्टेड हो सकता है, कन्फर्म नहीं है अभी भी, है ना। जो भी आईफोन 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, जो भी होगा एक्सेट्रा, तो उसमें अभी तक कुछ भी मतलब प्रॉपरली हमें नहीं पता है, रूमर्स है सिर्फ कि उसमें 90 Hz पैनल डाला होगा, 120 Hz पैनल डाला होगा, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है, है ना। तो ये सिर्फ अभी एंड्रॉइड के लिए आया है, तो आप इतना भी ज़्यादा वो रिस्क मत लो। और देखो गाइस, अगर मैं कहूँ कि अभी भी आप सोच के देखो कि आप हमेशा मतलब कि एक कह सकते हो कि आईफोन है जो कि आपको एक कांस्टेंट 60 FPS देगा, अगर आप उसे AC वगैरह या उसका एक टेबल फ़ैन होता है जिससे वो कूलिंग हवा देता है, तो अगर उसके सामने खेलोगे तो बिल्कुल कांस्टेंट 60 FPS देगा। वही एंड्रॉइड के बारे में ले लो, जो कट कट के चलता है। अगर मैं आपको एक मेजर सा बात बताऊं, तो देखो गाइस, एक बंदे के पास आपके एक फ्रेंड के बगल में खेल रहा है, उसका सिर्फ हाई FPS देता है, 30 FPS देता है, आपका 60 FPS देता है, तो वो कहेगा भाई मैं तो कब का अंदर चले गया था। अगर आप सोचो वो कवर में जा रहा है, आप उसको पीछे
तो यही सब कुछ मेजर से डिफरेंस होता है 90 FPS और 60 FPS में, कि बंदा मार देता है और आप वो बोलते हैं हैकर हैकर। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ से चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड ऐसी कमाल की वीडियोस को देखने के लिए ऑल पे भी कर देना नोटिफिकेशन के बेल को। एंड बाय गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन कर देना ऑल पे, एंड बाय।